अवेंजर्स एंड गेम टोनी स्टार्क के फैंस के लिए बहुत ही इमोशनल मूवी थी, क्योंकि उसमें उनके फेवरेट सुपर हीरो ने एमसीयू को अलविदा कह दिया। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के आयरन मैन को भुला पाना इम्पॉसिबल है, और ये बहुत ही अफसोस की बात है कि अब हम रॉबर्ट डाउनी जूनियर को कभी आयरन मैन के रोल में नहीं देख पाएंगे। पर अब तक जब भी रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एमसीयू में अपीयर होने का मौका मिला है, तो हम ऑडियंस ने उस हर मोमेंट को एंजॉय किया है। और आज इस वीडियो में हम रॉबर्ट डाउनी जूनियर के आयरन मैन 1 से लेकर एंड गेम तक के टॉप 10 बेस्ट मोमेंट्स को याद करेंगे। हम उन सभी मोमेंट्स के बारे में एमसीयू में उनके अकरेंस के हिसाब से बात करेंगे, तो शुरू से लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो गाइस शुरुआत करते हैं उस डायलॉग से जिसने एमसीयू को शुरू किया था। जब टोनी स्टार्क ने आयरन मैन 1 में पूरी दुनिया को बता दिया कि वही आयरन मैन है, तो वहीं से एमसीयू की इस जर्नी की शुरुआत हुई। और जैसा कि सिविल वॉर में विजन ने बताया था कि आयरन मैन के सामने आने के बाद ही दुनिया में नए खतरों की भी शुरुआत हुई। इस सीन से मार्वल ने एमसीयू की शुरुआत में ही ये शो कर दिया था कि वो बाकी सुपर हीरोज की तरह अपने हीरोज की पहचान छुपाने के बजाय कुछ अलग दिखाने वाला है। और इसके बाद जो हुआ, उसने सभी सुपर हीरो मूवीज के रिकॉर्ड तोड़ दिए। और सबसे मजेदार बात यह है कि आयरन मैन का ये डायलॉग ओरिजिनल स्क्रिप्ट में नहीं था, बल्कि ये लास्ट टाइम पे रॉबर्ट डाउनी जूनियर के कहने पे मूवी में ऐड किया गया था। आप उस इलाके के बेहद करीब हैं, इसलिए परमाणु हमले की तैयारी कर। न्यूयॉर्क का एक अहम इलाका मैनहट्टन है। ये बात सोचने में ही अजीब लगती है कि शील्ड के ऑफिशियल्स 2012 की एवेंजर्स मूवी में न्यूयॉर्क सिटी को एक मिसाइल से उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ टोनी स्टार्क सिचुएशन अपने हाथ में लेता है और उस मिसाइल को वो आउटर स्पेस में चितौरी आर्मी की तरफ ले जाता है। इस सीन के बाद आयरन मैन बच तो जाता है, लेकिन इस इवेंट के बाद टोनी स्टार्क में कुछ बदलाव आ जाते हैं, जिसका असर हमें आयरन मैन 3 में देखने को मिलता है, जिसमें टोनी स्टार्क का एक सीरियस रोल दिखाया गया है और इसी के बाद ही वो अल्ट्रॉन और विजन को बनाता है। इस सीन में टोनी अपनी सेल्फिश रेपुटेशन के अपोजिट सबको बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने वाला था, और जिसके बाद लोग टोनी स्टार्क के और भी ज्यादा फैन हो गए। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन भले ही फैंस को उतनी पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी इस मूवी में कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जिसकी वजह से ये मूवी हमेशा याद रखी जाएगी। टोनी स्टार्क हमेशा आगे का प्लान रखता है, और इसी वजह से उसने बुरे वक्त के लिए हल्क बस्टर आर्मर भी बना रखा था, जिसको हल्क के बेकाबू हो जाने पर उसको कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया था। हल्क बस्टर आर्मर में मल्टीपल आर्क रिएक्टर्स लगे थे, जो उसको लगभग हल्क के जितनी ही फिजिकल पावर प्रोवाइड कर रहे थे। सोजा मुन्ना, अब सोजा, चल सोजा। इस सीन में आयरन मैन की जबरदस्त टेक्नोलॉजी और पावर का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला था, और यहाँ आयरन मैन ने यह साबित किया था कि वो हल्क जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स को भी धूल चटा सकता है। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की फाइनल फाइट में हमें अपने दोनों फेवरेट अवेंजर्स का एक अलग ही रूप देखने को मिला। इस फाइनल बैटल में आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका दुनिया को नहीं बचा रहे थे, बल्कि एक दूसरे से लड़ रहे थे, और ये तब हुआ जब आयरन मैन को पता चला कि उसके पेरेंट्स को विंटर सोल्जर ने मारा है। इस सीन में आयरन मैन बकी को खत्म करना चाहता था, पर कैप्टन अमेरिका उसे ऐसा करने से रोक रहा था। ये लड़ाई एक अलग ही लेवल की लड़ाई थी, जिसमें जीत तो कैप्टन अमेरिका की हुई, पर यहाँ आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका अपनी पूरी एबिलिटी से लड़े। इस लड़ाई में पैशन था और क्रेजी टेक्नोलॉजी, इस सीन में वो सब था जो इसे एमसीयू में एक अलग ही जगह देता है। स्टॉक, तुम जानते हो मुझे? जानता हूँ। इस सीन में थैनोस आयरन मैन के बाकी टीम मेंबर्स को हरा चुका था, लेकिन फिर भी आयरन मैन बिना डरे एमसीयू के सबसे पावरफुल विलन के सामने अकेला खड़ा हो गया था। यहाँ हमें आयरन मैन के एक जबरदस्त सूट की फाइनेस्ट एबिलिटीज देखने को मिली, और उस वक्त वही एक ऐसा कैरेक्टर था जो थैनोस का खून निकाल पाया। बेशक इस लड़ाई में आयरन मैन हार गया, क्योंकि वो थैनोस के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन फिर भी उसने एक मैन मेड आर्मर से इन्फिनिटी स्टोन्स के अटैक्स को डिफेंड किया, और ये लड़ाई एमसीयू के बेस्ट मोमेंट्स में से एक हमेशा रहेगी। इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग एमसीयू की डार्केस्ट और सबसे स्ट्रेंज एंडिंग मानी जाती है। यहाँ आधे एवेंजर्स को डस्ट बने हुए देखना तो इमोशनल था ही, पर लगभग सभी को इमोशनल कर दिया पीटर पार्कर वाले इस सीन ने। इस सीन में अपने हाथों में पीटर पार्कर को मरते देखना टोनी स्टार्क के लिए सबसे बुरा मोमेंट था, और इसके बाद टोनी को यह एहसास हुआ कि जो बुरा ख्वाब उसे एवेंजर्स 1 से दिखता आ रहा था, वो ऐसा होने से रोक नहीं पाया, और ये टोनी के लिए सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज थी। एंड गेम के बारे में एक सबसे अच्छी चीज़ ये भी थी कि उसमें हमें टोनी स्टार्क को एज अ फादर दिखाया गया था,
और ये चीज़ सभी फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद भी आई और ऐसा कुछ होने का मार्वल फैंस बहुत पहले से इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ रूसो ब्रदर्स ने मॉर्गन स्टार को टोनी स्टार के रिलेशन को इतना परफेक्ट तरीके से दिखाया था जिसे देखकर सबके चेहरे पे स्माइल आ गई थी। और जिस तरह टोनी स्टार के डायलॉग्स एमसीयू में फेमस हैं उसी तरह मॉर्गन स्टार का डायलॉग आई लव यू 3000 भी पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो गया था और टोनी के इस रोल की वजह से एंड गेम में उसकी डेथ पे सबको और भी ज्यादा अफसोस हुआ था। पीटर पार्कर की डेथ के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं लेकिन पीटर जब एंड गेम में वापस आकर टोनी से मिला तो वो सीन उसकी डेथ से ज्यादा इमोशनल था क्योंकि स्पाइडरमैन होमकमिंग में टोनी ने पीटर को हग नहीं किया था पर एंड गेम में पीटर को देखकर उसने उसे जल्दी से हग कर लिया। इससे ये पता चला कि होमकमिंग से एंड गेम तक टोनी और पीटर का रिलेशन कितना बदल चुका था और पीटर पार्कर ही वो रीजन था जिसकी वजह से टोनी स्टार्क ने टाइम ट्रेवलिंग करके स्नैप को रिवर्स करने का डिसाइड किया था। इन्फिनिटी वॉर रिलीज हो जाने के बाद रूसो ब्रदर्स ने बताया था कि हमारे एवेंजर्स थेनोस से इसलिए हार गए क्योंकि वो एक साथ नहीं थे और ये बात साबित हो गई एंड गेम में। यहाँ हमें अपने तीनों मेन हीरोज आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर एक साथ थेनोस के सामने दिखे। अब क्योंकि ये ओरिजिनल एवेंजर्स की आखिरी मूवी थी तो इस सीन को बेस्ट तो होना ही था। यहाँ थॉर के दो वेपन से लेकर कैप्टन अमेरिका के म्यूनियर वाले सीन तक सब कुछ औसम था और इस सीन के लिए मार्वल फैंस पहली एवेंजर्स मूवी से वेट कर रहे थे और इस सीन ने हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। एंड गेम में हमें एक ऐसा सीन भी देखने को मिला जो एमसीयू हिस्ट्री का बेस्ट मोमेंट बन गया है। जब टोनी स्टार्क ने थेनोस से सभी इन्फिनिटी स्टोन्स छीनकर अपने आर्मर में लगा लिए थे तो इस सीन को देखकर सभी फैंस खुशी से पागल हो गए पर वही खुशी गम में बदल गई जब टोनी स्टार्क ने स्नैप करके खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और वो भी उसी डायलॉग के साथ जिस डायलॉग के साथ उसने एमसीयू को शुरू किया था। टोनी स्टार्क की डेथ एमसीयू के सैडेस्ट मोमेंट्स में से एक थी। यहां टोनी ने ये साबित कर दिया था कि क्यों वो बेस्ट एवेंजर है। तो गाइज आपके हिसाब से आपका बेस्ट मोमेंट एमसीयू में कौन सा रहा वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरा घर ले सकते हैं, मेरे सारे पैतरे खिलौने भी, लेकिन एक चीज नहीं बदल सकते और वो ये कि मैं आयरन मैन हूं। Of the sun, to dream.